अस्सलाम वालेकुम देवियों तो सजनों पहनो तो प्रभु, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी द एंजल मेकर की, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं इस्बन तुनिसन एंड जूली आर ओलगार्ड, और इसके जो राइटर हैं वो हैं यूसुफ उथमैन एंड जूली आर ओलगार्ड, और ये हॉलीवुड की मूवी है और इसको थ्रिलर एक तो मेरी ज़ुबान नहीं चलती इसको थ्रिल यार ये जो भी इसको कहते हैं थ्रिलर बनाने की इसको कोशिश की गई है, लेकिन ये बनी नहीं, और इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मज़ा आए। तो मुझे तो इस मूवी को देख के कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और इस मूवी की जो कास्ट भी है वो भी कोई तो इसकी जो मेन लीड हीरोइन है उसकी हाइट बहुत छोटी लगी है, वो इस मूवी में इस एक उसकी हाइट बहुत छोटी लगी है, छोटी छोटी टांगों पे इतने बड़े बड़े उसने शूज़ पहने हुए हैं जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है, और इस मूवी में उनकी जो लुक है वो भी कोई तो उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई गई है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है, चले हम चलते हैं इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो एक कातिल है जो कि लड़कियों को कत्ल करता है, और ये उन लड़कियों को कत्ल करता है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और अपना इबोशन करवा देती हैं, ये उनको कत्ल करता है। और पूरी मूवी में मैं यही सोचता रहा कि एंजल मेकर किसको कहते हैं, ये पता नहीं कोई ब्यूटी पार्लर में कोई बनाएंगे या किस चीज़ में बनाएंगे, ये कोई मूर्ति बनाएंगे एंजल मेकर ये क्या है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो चाइल्ड को पेट के अंदर मार देती हैं उनका इबोशन करवाती हैं उसको ये कह रहे हैं कि ये एंजल मेकर है। तो इसमें किलर है जो कि एंजल मेकर्स का कत्ल करता है, और इसमें जो मेन लड़की है जो कि मेन हीरोइन है उसकी एक ब्लैक आदमी के साथ शादी हुई है, ब्लैक आदमी जैसे कि मेरा रंग है तो ऐसा ही एक ब्लैक आदमी के साथ उसकी एक शादी हुई है, और ये आदमी उससे नाराज़ होकर उसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि ये जो लड़की है ये भी थोड़ी सी टेंस रहती है क्योंकि इसने अपने हस्बैंड को बताए बगैर इसने भी अबॉर्शन करवाया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब है। और ये जैसा ही ये इस मूवी ये जो हॉलीवुड की मूवी है तो इसमें जो एंजल्स को कत्ल करता है जो लड़कियों को कत्ल करता है वो उनके वो नेकेड करके उनको नंगा करके उनकी वीडियो बनाता है और बेदर्दी के साथ उनको कत्ल करता है, लेकिन ये जैसा ये मूवी में दिखाया गया आपके दिल को कुछ होता नहीं है, यानी कि इसमें जो थ्रिलर दिखाने की कोशिश की गई है, अभी थ्रिलर आ गया जुबान पर पहले नहीं आ रहा था, तो जो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है वो दिखाया नहीं गया, और मूवी ऐसे जैसे कोई सजा नहीं है, तो इसमें सीन वगैरह की कोई एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, इसमें जो राइटर है वो अपना हक अदा नहीं कर सके, तो ना राइटर अदा कर सके ना डायरेक्टर कर सके, और इसकी जो कास्ट भी है वो भी कोई मज़े वाली नहीं है। तो जो जैसे ही ये कत्ल होता है तो एक पुलिस वाली कोई बड़ी पुलिस वाली है और उसका एक नीचे एक पुलिस वाला है, तो वो इस लड़की को कॉल करती है जो कि मेन है, इसको फ़ोन करती है क्योंकि लड़की की लाश के साथ एक मिला है मेमोरी कार्ड, और ये जो है ये आईटी में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर मास्टर है ये, तो उसको कार्ड को चलाने के लिए उसका कोड खोलने के लिए इसको बुलाया गया, और ये आगे से एक और बंदे को भी हायर करती है उसकी हेल्प के लिए, वो भी कंप्यूटर को जीनियस है। बहरहाल ये उसको ट्रेस कर लेते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, और ये जो आदमी है ये उसको कत्ल कर देती है, उसको गोली मार देती है, और उसकी माँ जो है वो क्लाइमेक्स पे बदला लेने के लिए फिर आ जाती है, इसको सोई को जगाती है और इसको पकड़ के ले जाती है, और जो दूसरा इसका इसके साथ वाला है इसका क्लीक है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी बीवी के पेट पे गोली मार देती है और उसको कत्ल कर देती है, और इसके हस्बैंड को भी पकड़ के ले गई है वो जो उसकी जिसको मारा है जो किलर है उसकी माँ जो है, तो ये अपने पेट में गोली मारती है और पीछे से वो उस औरत को लगता है और वो औरत मर जाती है। इससे ज़्यादा इस मूवी में कुछ नहीं था, लेकिन इसमें कोई थ्रिलर नहीं दिखाया गया, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, ऐसे ही था जैसे कि कुछ सज़ा मिली है, और पूरी मूवी में ये सिर्फ ये लड़की और उसका जो क्लीक है वो दो ही बस बंदे जाते रहे हैं, बाकी कोई पुलिस वगैरह दिखाई नहीं गई, तो ना पुलिस वगैरह दिखाई गई, हाँ एक डॉक्टर के बीच में आया था जो पोस्टमार्टम करता है, और यानी कि बहुत ही लो बजट की मूवी है, 5-6 बंदे के ऊपर या
थोड़ी सी 10 लोगों से कम ही लोग हैं जो इस मूवी में आए हैं। तो मूवी का पोस्टर तो बड़ा हैवी है दी एंजल मेकर, लेकिन मूवी में देखने वाला कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो इस मूवी को देख के मज़ा बिल्कुल नहीं आया, बहुत मुश्किल से टाइम पास किया। बहरहाल मैंने रिव्यू करना था तो मैंने इसका रिव्यू किया। तो मेरी तरफ से तो 10 में से मैं तो इसको कोई नंबर नहीं दे रहा, ना मैं इसको डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ना मैं राइटिंग में दे रहा हूँ, ना एक्टिंग में दे रहा हूँ, मैं इसको किसी चीज़ में कोई नंबर नहीं दे रहा। तो मेरी तरफ से ये मूवी 0 है, 0।